Hello everyone, we are going to start with chapter 1 of geography of class 6, the earth in the solar system. Okay. हम सबको पता है कि जैसे सनसेट होने लग जाता है उसके बाद हमें कुछ टीनी ऑब्जेक्ट्स नज़र आने लगते हैं आसमान में. वो टीनी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शाइन करते हैं, ट्विंकल करते हैं, और वो जो टीनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पहले हमें एक दो दिखते हैं, फिर उसके धीरे 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 उनकी जो क्वान्टिटी होती है वो बढ़ने लग जाती है. ओके. तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमें नज़र आते हैं, हम और हमें इन सबको देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ओके. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मून. इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के साथ हम एक मून को भी देखते हैं जो हर रोज निकलता है और नई नई शेप्स के अंदर निकलता है. कभी फुल मून होता है तो कभी न्यू मून होता है. फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा की रात को जो चांद निकलता है उसको फुल मून कहते हैं, और जो अमावस्या की रात में जो चांद निकलता है उसको न्यू मून कहते हैं. ओके. और फिर कभी क्या हमने सोचा है कि ये जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, मून है, ये हमें दिन के समय पे क्यों नहीं दिखता? ये हमें दिन के समय पे इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि सन की जो लाइट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग इन मून को और इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं. ओके. देन वी टॉक अबाउट सेलेस्टियल बॉडी. मून, अर्थ, मून, स्टार, सन, ये सब मिलके एक सेलेस्टियल बॉडी बनाता है, और इन सेलेस्टियल बॉडी को हम स्टार्स कहते हैं. और ये जो स्टार्स होते हैं ये गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं. ओके. और जो सन है हमारा वो भी एक स्टार है. ओके. देन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिलेशंस. कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स जिनको हम एक नाम दे देते हैं. ओके. जैसे एक एग्जाम्पल है आपका सप्तऋषि, जो एक उर्सा मेजर है जो हमें आसमान के अंदर दिखते हैं, जो सात तारों का एक ग्रुप होता है. ठीक है. तो पहले के टाइम पे क्या होता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, किसी के पास कंपास या कुछ और टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि वो नॉर्थ पता लगा सके या साउथ पता लगा सके. ओके. मतलब कोई भी डायरेक्शन वो लोग उनके पास नहीं थी कोई इतनी टेक्निक कि वो किसी भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, पर वो सप्तऋषि से देख के वो नॉर्थ ढूंढते थे. ठीक है. सप्तऋषि उनको सप्तऋषि के हेल्प से वो नॉर्थ स्टार या पोल स्टार को ढूंढते थे जिसके हेल्प से फिर वो डायरेक्शन का पता लगाते थे. ओके. देन वी टॉक अबाउट प्लैनेट्स. प्लैनेट्स क्या होते हैं? जब ये जो हमारा अर्थ भी हमें पता है कि एक प्लैनेट है. ठीक है. तो जितने भी ऊपर ग्रह होते हैं, ये जो ग्रह मतलब प्लैनेट्स वगैरह जो भी होते हैं, ये सन के चारों तरफ चक्कर निकालते हैं, राउंड निकालते हैं, जिनको उनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, और उनको हीट और लाइट किसकी हेल्प से मिलती है? सन की हेल्प से उनको हीट एंड लाइट मिलती है. ओके. तो उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, लाइट और हीट नहीं होती है, और जिनको सन की हेल्प से लाइट और हीट मिलती है उसको हम प्लैनेट कहते हैं. और हमें पता है कि अर्थ एक प्लैनेट है जिसपे हम लोग रहते हैं, और अर्थ के अलावा 8 और अदर प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर. नाउ वी टॉक अबाउट सोलर सिस्टम. ओके. देन वी टॉक अबाउट सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का मतलब होता है सन और वो जो 8 अदर प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स, जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उनको हम सोलर सिस्टम कहते हैं. ओके. और हमें पता है जो सोलर सिस्टम का जो हेड होता है वो सन होता है. जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हमारा हेड होते हैं, वैसे सोलर सिस्टम में हेड कौन होता है उनका? सन, क्योंकि सन से ही उनको हीट लाइट मिलती है. ओके. ओके. देन वी टॉक अबाउट सन. सन तो हम सबको पता है ना, सन क्या होता है? सूर्य जो हम रोज देखते हैं, और इसी के कारण ही हमारी अर्थ पे हमें लाइट मिलती है. ओके. तो सन जो होता है उसको हम हेड मानते हैं हमारे सोलर सिस्टम का, और ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ होता है. ओके. देन ये जो है नियरेस्ट स्टार है हमारे, यह एक नियरेस्ट स्टार है. ओके. जो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ के. ओके. ओके. नाउ वी टॉक अबाउट प्लैनेट्स. जैसे हमने मैंने आपको प्लैनेट को पहले भी एक्सप्लेन किया था, पर अब हम इसको डीप में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. जो हम मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्लैनेट जो होते हैं उनकी खुद की सन और लाइट नहीं होती है, उनको जो हीट और जो लाइट है वो सन की हेल्प से मिलती है. ओके. और हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? टोटल 9 प्लैनेट्स आर देयर. ओके.
जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपच्यून। ओके, अब ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये हमारे सोलर सिस्टम में एक फिक्स्ड पाथ पे घूमते हैं, और उस फिक्स्ड पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। जैसे मरकरी है वो सन के सबसे नियरेस्ट है प्लैनेट है, और वो अपना एक राउंड कितने दिन में कंप्लीट करती है, 88 डेज में, जबकि प्लूटो सबसे दूर है और अपना एक राउंड 243 ईयर्स के अंदर कंप्लीट करती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्थ। हमें अर्थ तो सबको पता है क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके बारे में किसको नहीं पता होगा। ये जो अर्थ है यहाँ पे हमें लिविंग कंडीशंस मिलती है, हवा, पानी, ऑक्सीजन, हमें सब कुछ मिलता है, इसलिए यहाँ पे इंसान रह सकता है। अगर यहाँ पे हवा पानी नहीं होगा तो इंसान रह नहीं सकेगा, ठीक है। और तो जो अर्थ का जो शेप है वो ज्वेट शेप है, जिसका मतलब है अर्थ लाइक शेप। ओके, जो अर्थ है हमारा वो मोर 2/3 जो हमारा अर्थ है वो पानी से भरा हुआ है, इसलिए हमें जो हमारा अर्थ है वो ब्लू कलर का नज़र आता है बाहर से। अगर हम सैटेलाइट इमेज लेते हैं तो वो हमें ब्लू कलर का नज़र आता है। ओके, और इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा गया है। देन वी टॉक अबाउट मून। मून कितना सुंदर दिखता है ना हमें रात के टाइम पे। तो ये जो है ये अर्थ की एकमात्र सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जिसे कहते हैं, ये अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ एक राउंड निकालती है, जो अपना एक राउंड है वो 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करती है, सॉरी 27 डेज के अंदर अपना एक राउंड जो है कंप्लीट करती है। ओके, क्योंकि मून पे अभी तक हमें रहने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली है, तो इसलिए हम वहाँ पे अभी तक अपना सेटलमेंट जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। वहाँ पे हमें सिर्फ जो रिलीफ फीचर्स होते हैं हमें वहाँ पे अभी तक, जैसे माउंटेन है, प्लेटो है और प्लेन्स हैं, बस अभी तक हमें वही मिले, इसके अलावा हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिला है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स का मतलब क्या होता है? ओके, एस्ट्रॉइड्स का मतलब होता है कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे सन के पास में घूमते हैं, उनको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं, और ये एस्ट्रॉइड जो है हमें मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में मिलते हैं। ओके, देन वी टॉक अबाउट मेट्रॉइड्स, उल्कापिंड, जिसका हमने अभी बहुत ज़्यादा नाम सुना था कि 28 या 29 अप्रैल को ये अर्थ पे गिरने वाला था, पर ये अर्थ के साइड से क्रॉस होकर निकल गया। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये भी छोटी छोटी टीनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के आसपास घूमते हैं, और ये रात के टाइम पे अर्थ पे गिरते हुए हमें नज़र आते हैं, जिसको हम टूटा हुआ तारा कहते हैं, उसकी जैसे नज़र आता है। ये जो टीनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये कभी कभार क्या होते हैं कि ऊपर ही जलकर राख नहीं होते हैं, कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नीचे की तरफ आने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं पे जाके गिर जाता है, जहाँ पे भी गिरता है वहाँ की ज़मीन को ये खोखला बना देती है। ओके, देन वी टॉक अबाउट गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब होता है जहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टार्स या प्लैनेट, सोलर सिस्टम, ये सब जो चीज़ें होती हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स मिलके गैलेक्सी बनाती है जो, और ये जो गैलेक्सी है यहाँ पे 98% जो है वहाँ पे हमें गैसेस मिलती है, जो 2% जो वहाँ पे हमें डस्ट मिलती है, और यहाँ पे एक मिल्की वे भी होता है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट यूनिवर्स। बहुत सारे प्लैनेट, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज मिलके एक यूनिवर्स बनाती है। ओके, दैट्स